नाकुरी पट्टी के प्रसिद्ध मानंदा मेले में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानुओं, पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल ने संयुक्त रूप से खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी आदि प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विवेकानंद विद्या मंदिर बीसा ने लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज सनेती को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। इस मौके पर मेला कमेटी के अध्यक्ष जगदीश बाफिला, उपाध्यक्ष मनोज भौरियाल सहित जिला पंचायत सदस्य पूरन गड़िया, कुंदन रैखोला आदि मौजूद थे। प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालयों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। नंदा सुनंदा समिति का जो मेला है जो पिछले लंबे वर्षों से चले आ रहा है, इस पर 4 दिवसीय मेले का यहाँ पर कार्यक्रम हमारे मेले के संरक्षक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 2 बार के यहाँ से विधायक माननीय बलवंत सिंह भौरियाल जी के द्वारा यहाँ पर के संरक्षण में यहाँ चलाया जा रहा है। आज 24 तारीख को यहाँ पर वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी तमाम गेमों का कार्यक्रम है। कल को जो है स्कूली बच्चों का यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है और परसों को 26 तारीख को किसी यहाँ रात का मेला होना है और दिन में स्थानीय महिलाओं के द्वारा झोला चाचरी का यहाँ पर एक कंपटीशन यहाँ भी यहाँ पर रखा गया है। और 26 तारीख को इस क्षेत्र के माननीय विधायक सुरेश सिंह गड़िया जी और यहाँ पर पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी जी और मेले के संरक्षक श्री बलवंत सिंह भौरियाल जी के संरक्षण में यहाँ विधिवत उद्घाटन किया जाएगा 26 तारीख को। और 27 तारीख को मेले का नंदा सुनंदा का विसर्जन के साथ समापन होगा। मैं तमाम जो भी CCN के माध्यम से जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी आगंतुकों को कहना चाहूँगा कि ये जो हर 3 साल में मेला लगता है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आकर के मैया का आशीर्वाद लेने का उनका कष्ट करेंगे। प्रथम दिवस खेलकूद बच्चों में खेलकूद के प्रति लोगों को जागरूक करना और अधिक से अधिक प्रेरणा देना, ये इसका शुभारंभ किया गया। दूसरे दिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम परंपरागत हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, वेशभूषा सहित सांस्कृतिक ढेर ढोल दवाओं नगारे के साथ उसका भी एक यहाँ पर प्रतियोगिता इस मेले का समापन होगा। और आज आपने देखा होगा, इसमें देख भी रहे हैं, काफ़ी दूर दराज से छोटे छोटे बच्चे भी खेलकूद प्रतियोगिता में इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्देश्य है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।